दोस्तों, देश और दुनिया में जितने भी धनवंतरी लोग हैं, जितने भी धनवान लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, और जो लोग जानते हैं कि हाँ पैसा कैसे काम करता है और पैसे से काम कैसे करवाया जाए, उनका एक प्रिंसिपल है, बहुत छोटा है, बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं, यू शुड वर्क फॉर योर मनी टिल यू आर 40, देन योर मनी शुड वर्क फॉर यू। मतलब कि अगर आप 40 साल मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए, तो 40 साल बाद वो पैसा भी आपके लिए मेहनत करना चाहिए वापस में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और आज बात करने जा रहे हैं रूट रुपया पर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इनकम होता क्या है। एक्टिव इनकम होता है जब आप एक्टिवली इंगेज होते हैं किसी काम में। मान लीजिए मैं एक CA हूं, मैं एक लॉयर हूं, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं, मैं किसी भी काम में एक्टिवली इंगेज हूं, या फिर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मैं काम करता हूं 8 घंटे के मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं क्या हुआ, मैं हूं एक्टिव इनकम का पार्टिसिपेंट, मैं एक्टिव इनकम जनरेट करता हूं। सेकंड कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे, जो कि लॉयर्स हैं, जो कि CAs हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, ये लोग क्या है, ये लोग भी एक्टिव इनकम के पार्टिसिपेंट हैं। जितना ये इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट मिलता है इनको, मतलब जितना एफर्ट डाला उतना ही पैसा वापस मिला। तो दोस्तों, जो एक्टिव इनकम होगा, जहां पे आप अपना खून और पसीना दिए जा रहे हैं किसी काम के लिए और आप उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो डायरेक्ट ऑपोजिट लेकिन कोरिलेटेड भी होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है, जहां पे आप कहीं घूमने गए हुए हैं, आप सोए हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपका इनकम फ्लो बना हुआ है, तो वो हुआ पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव इनकम के जितने भी एग्जांपल्स हैं कि कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ना डिफरेंसेस समझा देता हूं कि हाँ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले क्या है, एक्टिव इनकम में सबसे शॉर्टेस्ट रूट है पैसे कमाने का, सबसे शॉर्टेस्ट रूट। मतलब मान लीजिए मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने मेहनत किया, पैसे कमाए, उससे मिल जाता है पैसा। मान लीजिए मैकेनिक हूँ, चलिए छोड़िए वो कि हाँ एक लंबा प्रोसेस है एडुकेशन का, आप फिर हार्वर्ड जाएंगे या फिर IIT जाएंगे, IIM जाएंगे, वो भी छोड़िए। आप मान लीजिए आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर मतलब मैकेनिक हैं, आप गाड़ी बनाते हैं, टू व्हीलर बनाते हैं, तो उसका क्या है, उसका आपको डायरेक्ट कुछ पैसा मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है कि हाँ भाई आपने एफर्ट डाला, आपको पैसा मिला। तो दोस्तों, ये तो था एक्टिव इनकम के एग्जांपल। अब बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम जो है ना, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पापा जी के पास पैसे थे, आप करोड़पति हैं, लखपति हैं, जितने भी पति हैं आप, तो आपके लिए आसान है पैसिव इनकम। आपके पास पैसे पड़े हुए, आप उठा के लगाते हैं कहीं पे, वो इनकम जनरेट करता है, वो आपको देता है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम, अगर जैसे सैलरीड लोग हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए पैसिव इनकम में बहुत टाइम लगता है। तो फर्स्ट डिफरेंस एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या है, शॉर्टेस्ट रूट है एक्टिव इनकम, लेकिन पैसिव इनकम लॉन्गेस्ट रूट है, लेकिन कैश फ्लो बना रहता है हमेशा ही। तो दोस्तों, सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस है बहुत इजियर है। मतलब आपके पास एक सेट रूल्स हैं एक्टिव इनकम के लिए, जहां से आप डायरेक्टली जाके आप पैसे कमा सकते हैं कि हाँ जी, अगर आप, मैं आपके पास आता हूं, आपके घर में झाड़ू लगा देता हूं, आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे। लेकिन पैसिव इनकम ऐसे काम नहीं करता। पैसिव इनकम में आपको एक लॉन्ग रूट लेना पड़ता है, वो उतना ही, जितना ये इजी है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि एक्टिव इनकम मैं एंगेज हूं, मतलब मैं एक लॉयर हूं, मैं लखपति हूं, या फिर मैं एक डॉक्टर हूं, मैं करोड़पति हूं, तो मैं क्यों देखूं पैसिव इनकम की तरफ। तो मान लीजिए अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, मैं सैलरीड पर्सन की बात करता हूं पहले, सैलरीड पर्सन है आप, तो आपके लिए इनकम आ रहा है अभी क्योंकि आप एक्टिवली एंगेज हैं वहां पे। मान लीजिए कल आपके साथ कोई मिसअप हो जाए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आपको चोट लग गई, आप घर पे बैठे हुए हैं, तब क्या करेंगे आप? या फिर आपकी कंपनी बोलती है कि आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए हमें, नहीं आपको काम नहीं करना है, आप मत आइए, काम मत कीजिए। तो जो पैसिव इनकम है तब वहां पे मदद करता है आपको कि हाँ जी, मैंने इतना पैसा 40 साल तक मैंने आपको सर्विसेज तो दी और एक कॉर्पस भी बनाया मैंने, और उसी कॉर्पस का नतीजा है कि मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं डिसेबल भी हो गया हूं, मुझे कुछ हो भी गया, मैं हैंडीकैप भी हो गया हूं, लेकिन वो जो पैसिव इनकम है वो मेरे चीजों का टेक केयर कर सकती है, जो डे टू डे मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो देख सकती है उसके ऊपर। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात हो और रॉबर्ट कियोसाकी का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। सब ने सुना इनके बारे में, बहुत बड़े एक इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े ऑथर भी हैं। इनकी किताब रिच डैड और पुअर डैड करोड़ लोगों ने पढ़ रखी होगी, कम से कम इंडिया में भी पढ़ रखी होगी। तो इन्होंने एक क्वाड्रेंट दिया था, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया था एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। तो उसके बारे में बात करते हैं। ISBI बोला था उन्होंने, ESBI, ISBI मतलब एम्प्लॉयज, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, थर्ड उन्होंने बोला बी मतलब जितने भी बिग बिजनेसेस हैं, और फोर्थ जो है, फोर्थ है इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों,
रॉबर्ट कियोसाकी के ईएसबी में, ईएसबीआई में जो पहले दो टर्म्स हैं, जो पहले दो अल्फाबेट्स हैं, वो लोग हैं एक्टिव इनकम के पार्टिसिपेंट, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। जो बीआई है, बिग बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स, ये दोनों क्या हैं? पैसिव इनकम के पार्टिसिपेंट्स। तो इनमें डिफरेंसेस मैं बता दूं, जो ई और एस कमाता है, जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं वो कमाते हैं अर्निंग इनकम्स, जो बिग बिजनेस कमाता है वो कमाता है प्रॉफिट से इनकम, और जो आई है उनका तरीका आप समझिए और मैं स्टार्ट करता हूं उसको बताना, इन्वेस्टर्स का तरीका क्या होता है। वो ई और एस को, जैसे मैं हूं आप हैं, ई और एस को, सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर आप डॉक्टर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो आपको मूव करना पड़ेगा बी और आई में। बी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, बिग बिजनेस जो प्रॉफिट से इनकम कमाते हैं, जैसे मैं बहुत बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं अपनी जो भी गाड़ियां बेचता हूं उससे पैसे कमाता हूं, प्रॉफिट से पैसे कमाता हूं, तो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत बड़ा, मतलब 50,000 करोड़ रुपए की कोई कंपनी लगाऊं और उससे कमाऊं, और इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा जो मेन कीवर्ड है इस बी का, जो मेन कीवर्ड है आई, इन्वेस्टर बनूंगा मैं। तो दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी के आई, जो इन्वेस्टर्स वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेन पैसिव इनकम के लिए, हम लोगों के लिए जो लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो बिग बिजनेस खोले। तो सबसे पहले कहां से कमाता है जो आई है, इन्वेस्टर्स है, वो पैसा कहां से कमाता है? वो कमाता है इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कहां से आता है? इंटरेस्ट मान लीजिए आपको किसी को देना पड़े पैसा, मान लीजिए किसी को जरूरत है पैसे की, तो आप अपना कैपिटल देते हैं उसे, वो क्या करता है, कुछ पैसे वापस कर देता है आपको। तो दूसरा तरीका क्या है इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने का? मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, मान लीजिए आईटीसी का शेयर खरीदा है, 5% मुझे मिल जाता है डिविडेंड, मतलब मैं अगर 1,00,000 लगाता हूं तो मुझे 5,000 रुपए मिल जाते हैं, तो वो हुआ डिविडेंड से इनकम। पहला था इंटरेस्ट से इनकम। इसके बाद आप कैसे कमाएंगे? आप कमाते हैं कैपिटल गेन से। मान लीजिए मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, 100 शेयर, आज उसकी कीमत 2,000 रुपए है, कल जाके उसकी कीमत 3,000 रुपए हुई, जो भी इनकम हुआ वो मेरा इनकम हुआ, तो कैपिटल गेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो फोर्थ है वो है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम क्या होता है? मेरे पास बहुत सारे रियल एस्टेट्स हैं, मेरे पास होटल्स हैं, मेरे पास छोटे मोटे रूम्स भी बनाए हुए हैं, एक प्लॉट भी है, तो मैं क्या करता हूँ उससे कुछ इनकम कमाता हूँ, तो वो क्या हुआ रेंटल इनकम। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने का कहां से आता है? पहला आता है इंटरेस्ट, सेकंड आता है डिविडेंड, तीसरा कहां से आता है रेंटल पेमेंट, मतलब जो रेंट लेते हैं आप, और फोर्थ कहां से आता है? फोर्थ आता है आपका कैपिटल गेन से। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है, अब आएगा, वो है रॉयल्टीज, वो है रेसिडुअल इनकम। मान लीजिए मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसका स्केल कल जाके, मान लीजिए अभी 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, 1,000 लोग देखते हैं, कल जाके अगर इसको 1,00,000 लोग देखें तो मुझे दोबारा से तो इस पे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से ये वीडियो तो नहीं बनाने वाला मैं कि हाँ ये एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। तो जो मैंने मेहनत लगाई एक बार में, इसके बाद जाके उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल है। सेकंड है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी मतलब आपने किताब लिख दी, किताब लिख दी, इसके बाद क्या होगा, वो कितने ही लोगों को बिक सकता है, वो आने वाले 50 साल तक भी चल सकता है, 100 साल तक भी बुक स्टोर्स में रह सकता है, 200 साल तक रह सकता है, तो आपकी फैमिली को रॉयल्टी मिलेगी इससे। आप मरने के बाद भी एक आपका इनकम स्ट्रीम बना रहेगा अगर आप ये ऐसा करते हैं। तो दोस्तों आपने क्या किया, रेसिडुअल इनकम और रॉयल्टीज में क्या किया, सबसे पहले यूट्यूब चैनल बना लिया, बुक्स लिख ली। थर्ड जो इनकम है जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है, मान लीजिए मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं, मैं 50 बच्चों को पढ़ा पाता हूं, 100 बच्चों को पढ़ा पाता हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी के सहारे अब मैं क्या करता हूं, अपने कोर्सेज को ऑनलाइन ऑफर करता हूं, और उसमें क्या है वो कोई फाउंडेशन नहीं है कि मैं सिर्फ 50 पढ़ा सकता हूं, 100 पढ़ा सकता हूं, उसमें मैं 2,00,000 बच्चों को अपने कोर्सेज बांट सकता हूं। अगर मैं एक टैलेंटेड टीचर हूं जिनसे बच्चे और ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या क्या थे, इस बी में एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, रॉबर्ट कियोसाकी का मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों वॉरेन बुफे का नाम आप सबने सुना है, उन्होंने एक बार कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, वॉरेन बुफे की तरह सोचना है, और जितने भी लोग हैं जो कि पैसे के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, अगर आपको उनके जैसा होना है तो सबसे पहले एक काम आपको करना पड़ेगा, वो क्या है, डेप्रिसिएटिंग एसेट्स में पैसा ना लगाइए। डेप्रिसिएटिंग एसेट्स क्या हुआ, जैसे गाड़ी होगी, बाइक होगी आपकी, आपको लगता तो है कि वो एसेट है, आपके काम आएगा, लेकिन डेप्रिसिएटिंग एसेट्स में पैसा ना लगाइए। अपने कैपिटल को इरोड मत होने दीजिए, जो आपने पैसा इतना बड़ा कॉर्पस बनाया है, जो 40 साल तक आप बनाएंगे, जितने भी उम्र तक आप बनाएंगे, तो उसके जो वैल्यूएशन है उसको कम मत होने दीजिए, आप उसको यूज पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक्टिव और पैसिव इनकम में आज बस इतना ही था। अगर आपको वॉरेन बुफे जैसा सोच रखना है और पैसिव इनकम आपको क्रिएट करना है तो आपकी जर्नी आज से स्टार्ट होती है,
और अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी भी चीज से रिलेटेड है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद रूट रुपया देखने के लिए।